हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के सेकेंड पार्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट कर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो आर्गेनियस कॉन्सेप्ट। आर्गेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। देखिए जो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, आर्गेनियस ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में जेलेरियम में OH माइनस आयन देता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस कहते हैं। क्लियर है? और आर्गेनियस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एच प्लस देता है ना ही वो OH माइनस आयन देता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये 1887 में दिया था, ऑल द सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसी। ऑल द सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसी। मतलब वो सभी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, लाइक HCl, HBr, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो आप किसी को भी पकड़ो, गला पकड़ो और पानी में डुबो दो, जो H प्लस दिया वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। जो OH माइनस दिया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हम किसी एक एसिड को पकड़ते हैं और आयोनाइज करके देखते हैं, तो लाइक HCl जैसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या लगेगा, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ HCl। अब बात करेंगे एसिड कितने टाइप के होते हैं। एसिड की अगर मैं टाइप की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन के डोनेशन के बेसिस पे एसिड कितने टाइप के होंगे, तो निश्चित रूप से जो एक एच प्लस देगा उसको हम मोनोक्रोटिक एसिड बोलेंगे या मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। जो दो एच प्लस देगा उसको डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक एसिड बोलेंगे, या जो तीन एच प्लस देगा उसको ट्राइप्रोटिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो एच प्लस डोनेशन के बेसिस पे हम एसिड को तीन पार्ट पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के डोनेशन पे एसिड कितने टाइप के होंगे बच्चों, थ्री टाइप के। ठीक है, इधर बात करते हैं हम, पहला फर्स्ट दैट इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड बच्चों वो एसिड जो H प्लस आयन या एक H प्लस आयन
देगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक। और चूंकि हम एसिड के लिए बेसिसिटी निकाल रहे हैं इसलिए मोनोप्रोटिक हम क्या बोल सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो इसका और दूसरा नाम क्या आप दे सकते हैं, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, दोनों राइट है। जैसे इसमें देखिए बच्चों, जनरली इसमें एच टाइप के एसिड होंगे जिसमें सिर्फ एच प्लस आयन होंगे, एक एच होगा, एच ए टाइप एसिड। डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो दो जैसे विच गिव्स वन एच प्लस आयन इन इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड। क्लियर, एग्जांपल की बात करते हैं हम, एग्जांपल एग्जांपल में आपको हो जाएगा HCl, HBr, HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जो दो एच प्लस आयन है एक सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलेंगे, डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड और डाइबेसिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे वो एसिड होंगे जो दो एच प्लस देंगे, यहां पे किस टाइप के एसिड होंगे बच्चों, एच टू ए टाइप, एच टू ए टाइप। अब यहां पे देखिए एच तो क्या है बच्चों, कैटायन, और ये ए जो मैंने लिया है वो एनायन है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए है, जैसे हम देखेंगे यहां पे एच टू एसओ फोर, एच टू एस, एच टू सी ओ थ्री, ये सब के सब कैसे कहलाएंगे, ये किस टाइप के एसिड है बच्चों, डाइप्रोटिक एसिड। कैसे एसिड है, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड। क्लियर बात, लास्ट है थर्ड एसिड जो तीन एच प्लस आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसी और ट्राइबेसिक एसी। अच्छा, प्रोटीक का मतलब क्या होगा बच्चों, प्रोटीक का मतलब होता है जो एच प्लस आयन देता है, तो एच प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीक एसिड। यहां पे देखेंगे किस टाइप के एसिड होंगे बच्चों, एच थ्री ए टाइप एसी। कैसा, एच थ्री ए टाइप एसी। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपका होगा एच थ्री पी ओ फोर। ठीक है बच्चों, एच थ्री पी ओ फोर एक ही एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, एसिड और एसिड का टाइप अकॉर्डिंग टू आर्मेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों कि एसिड का हम निकालते हैं बेसिसिटी। ठीक है बच्चों, तो बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है बेसिसिटी, चूंकि आप पढ़ेंगे तो बेसिसिटी को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी को एन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बेसिसिटी ऑफ एसी ये क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसी, बेसिसिटी ऑफ एसी। तो देखिए बच्चों, जो एसिड होते हैं वही को सॉल्यूशन में क्या देते हैं, एच प्लस आयन। तो जितना एच प्लस आयन देगा, जितना एच प्लस आयन देगा वो उस एसिड की क्या कहलाएगा, बेसिसिटी कहलाएगा। लेट सपोज एच टू एसओ फोर है, जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये दो एच प्लस देगा, प्लस एसओ फोर माइनस टू, मीन्स एच टू एसओ फोर की बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, टू। कितनी होगी बेसिसिटी, टू। और ये बेसिसिटी का हम कहां यूज करते हैं, जब आप इक्वेलेंट वेट निकालेंगे तो वहां पे यूज होगा बच्चों, कि इक्वेलेंट वेट अगर एच टू एसओ फोर का इक्वेलेंट वेट निकालना है तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
वैलेंसी फैक्टर और दिस वैलेंसी फैक्टर इज नोन एज बेसिसिटी। क्लियर है? तो देख लेते हैं डेफिनेशन। द मैक्सिमम रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसी इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसी इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसी। ठीक है बच्चों, एक साइड हम इधर लिखते हैं एसी और दूसरी साइड पर जो लिखते हैं इसकी बेसिसिटी। तो इधर जैसे हम बात करें HCl H2SO4 H3PO4 HNO3। तो देखिए बच्चों जितना H प्लस होगा जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वही उस एसिडिटी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी क्या कहलाएगी। जैसे HCl में हम बात करें तो एक H है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। H2SO4 में बात करें तो कितनी हो जाएगी बच्चों 2। H3PO3 की बात करें तो 3। HNO3 की बात करें तो 1। बट ऐसे ही सब निकालेंगे लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है फॉर कॉम्पिटिशन। सावधान क्या बच्चों? सावधान, क्योंकि यहां पे क्या है बच्चों देखिए ध्यान से, इधर मैं ऑक्सी एसिड कुछ लिख रहा हूं और दूसरी साइड इसकी बेसिसिटी। H3PO4 H3PO3 H3PO2 NH3PO। तो देखेंगे बच्चों यहां पे H3PO4 की तो बेसिसिटी 3 होती है नो डाउट, बट H3PO3 की 2 होती है और H3PO2 के कितना होता है बच्चों 1 और H3P की कितना होता है बच्चों 0। ठीक है, लोचा आ गया ना, कैसे हुआ ये? इसलिए मैंने बोला सावधान, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीटर आईआईटी के तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, ऑक्सी एसिड के साथ ऐसा क्यों हुआ? फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड है, हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो बच्चों ऑक्सी एसिड में जो होता है, ऑक्सी एसिड जो फॉर्म होते हैं बच्चों नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है जनरली नॉन मेटल प्लस वेज। क्लियर है, बट नॉन मेटल के साथ ओएच कैसे कंबाइंड होता है उस चीज को हम देखते हैं। ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल से ऑक्सीजन जो कंबाइंड होता है मित्रों वो इस तरह से होता है और इधर क्या कंबाइंड होता है हाइड्रोजन। ठीक है, चूंकि ऑक्सीजन कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों बनाता है
नॉन मेटल के साथ, इसीलिए ये ब्रेक नहीं होता है यहां से। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज्यादा तो एच पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पार्शियली निगेटिव। अब दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कैसा हो जाएगा, वीक, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या देगा बच्चों, एच प्लस आयन देगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीएसिड में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है सिर्फ वही ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके तीनों एसिड की, जो एक्सेप्शन जिसके लिए आपको सावधान रहना जरूरी है, दैट इज फॉर H3PO4, H3PO4, देखिए PO और 4 दो फॉस्फोरस। अब एक ऑक्सीजन हमेशा, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है जो ट्राइवेलेंट, एक तो जुड़ गया डबल बॉन्ड हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का जो सॉरी पेंटावेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट नहीं। अब कितने बचे आपके पास, तीन ऑक्सीजन बचे, ठीक है, और तीन ऑक्सीजन एंड तीन हाइड्रोजन, तो ये तीनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, देखिए तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो ब्रेक होंगे, बिकॉज दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ये ब्रेक हो गया। तो यहां पे कितने देगा H प्लस, 3H प्लस आपको मिल गया, दैट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। क्लियर बात, समझ में आया। फॉस्फोरस कि ऑक्सीएसिड में फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, और बाकी जो ऑक्सीजन होंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। क्लियर बात, चलिए सेकंड बात करते हैं हम, H3PO3 की बात करते हैं, H3PO3, ठीक। तो वैसे ही फॉस्फोरस लिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, बचे कितने, दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन को जोड़ दिया बच्चों, और दोनों दो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन अभी भी आपका बच गया है, वो डायरेक्ट कंबाइन होगा नॉन मेटल के साथ, और क्योंकि नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होगा। कौन ब्रेक होगा, ये दोनों ब्रेक होगा, और ये दोनों जब ब्रेक होगा तो कितने एच प्लस मिलेंगे आपको, 2H प्लस मिलेंगे, और 2H प्लस मिला तो कौन सा एसिड कहलाएगा, डाइप्रोटिक एसिड। क्या कहलाएगा, डाइप्रोटिक एसिड। थर्ड वन की बात करेंगे हम, H3PO2, आप समझ गए होंगे, आप आराम से बना सकते हैं, आप फॉस्फोरस ऑक्सीजन, दो ही ऑक्सीजन है बच्चों, अब दो हाइड्रोजन डायरेक्ट यहां पे जुड़ जाएगा, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन देगा और एक एच प्लस देगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, मोनोप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर्गेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तभी हम सिर्फ और सिर्फ एसिड की बात की है, सिमिलरली हम किसकी बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, आर्गेनियस बेस। आर्गेनियस बेस, आर्गेनियस बेस, आर्गेनियस बेस क्या होता है, द सब्सटेंस सीमेंट एसी टाइप का होगा, बट यहां पे ओ एच माइनस हो जाएगा, पहले क्या था एच प्लस, द सब्सटेंस विच गिव्स
OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आर्गेनियस बेस. एग्जाम्पल NaOH, KOH, RbOH, FeOH होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है. किसी एक को आयोनाइज करके देखते हैं बच्चों. तो लाइक अगर मैं NaOH को आयोनाइज करूं, जैसे आप इसको वॉटर में डिजॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस. क्लियर बच्चों? इसी तरह से जितने भी बेस हैं वो सबको आप वॉटर में डिजॉल्व आयोनाइज करके OH माइनस देख सकते हैं कितना आया. नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें टाइप्स ऑफ बेस की बात करेंगे बच्चों. टाइप्स ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ OH माइनस आयन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बेस. ठीक है, OH माइनस कौन कितना है OH माइनस दे रहा है, जैसे एक OH माइनस दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी बेस. दो OH माइनस दे रहा है तो डाइहाइड्रोक्सी बेस, तीन OH माइनस दे रहा है तो ट्राइहाइड्रोक्सी बेस. ठीक है, या क्योंकि बेस के लिए हम एसिडिटी निकालते हैं तो बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस. चलिए इधर देखते हैं, पहला फर्स्ट दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी. क्या हाइड्रोक्सी मित्रों? मोनोहाइड्रोक्सी बेस. और इसको दूसरा क्या बोलते हैं, मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस. अब मोनो एसिडिक क्यों बोला, थोड़ी देर बाद समझ में आपको आ जाएगा. मोनो एसिडिक बेस का मतलब है, याद रखिए बच्चों, जो एक OH माइनस आयन देगा उस बेस को हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस. जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे OH टाइप बेस होगा बच्चों. एक क्या है यहां पे, कैटायन, OH है एन आयन. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, इधर देखते हैं एग्जाम्पल मोनो एसिडिक बेस का. NaOH, KOH, RbOH एक्सेट्रा, ये सब में एक ही OH माइनस आयन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक या मोनो हाइड्रोक्सी बेस. सेकेंड बेस है दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी. क्या बोलेंगे बच्चों, डाइहाइड्रोक्सी या डाई एसिडिक बेस. ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द बेस विच गिव्स टू OH माइनस आयन इज नोन एज डाइहाइड्रोक्सी बेस या डाई एसिडिक बेस. जैसे इसमें जो बेस होंगे वो किस टाइप के होंगे बच्चों, ए OH होल ट्वाइस टाइप. एग्जाम्पल की बात करें तो सी ए ओ एच होल ट्वाइस, एम जी ओ एच होल ट्वाइस एक्सेट्रा. ठीक है, थर्ड वन बात करें तो हम ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई हाइड्रोक्सी बेस या ट्राई एसिडिक बेस. इसमें जो बेस होंगे वो किस टाइप के होंगे मित्रों, इसमें जो बेस होगा वो होगा ए ओ एच होल थ्राइस टाइप. अगेन यहां पे मैं बात करूं तो ए क्या है बच्चों, कैटायन, OH है एनायन है, और ये जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है वो इस कैटायन का क्या है बच्चों, चार्ज है. लाइक एफ पी ओ एच होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस एक्सेट्रा. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बेस क्या होता है, आर्गेनियस बेस क्या होता है, और आर्गेनियस बेस को OH माइनस के बेस पे
तीन टाइप में मैंने कैसे डिवाइड किया और सबका आपने एग्जांपल देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, मैंने आपको बोला था कि मोनोहाइड्रोक्सी को मोनो एसिडी क्यों कहते हैं, मोनो एसिडी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेस हम क्या निकालते हैं, एसिडिटी निकालते हैं। अब देखते हैं एसिडिटी क्या होता है, एक मिनट, बात करते हैं एसिडिटी की बात कर रहे थे, एसिडिटी ऑफ बेस, व्हेन एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस देखिए बच्चों, तो जैसे आपने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड में कि मैक्सिमम रिप्लेसेबल एस प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड, सिमिलरली इन इन बेस मैक्सिमम रिप्लेसेबल एस प्लस ओ एच माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस इज नोन एज एसिडिटी ऑफ दैट बेस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम ओ एच, द मैक्सिमम रिप्लेसेबल OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस इज नोन एज एसिडिटी ऑफ दैट बेस। इधर मैं बच्चों बेस लिख रहा हूं, और दूसरी साइड इसकी एसिडिटी लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे बेस NaOH CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस। तो यहां पे देखेंगे मित्रों जितना OH माइनस है वो इसकी क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है एसिडिटी ऑफ बेस, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्सी बेस में क्या होता है बच्चों, जो आपका मेटल होता है वो किस तरह से जुड़ा होता है ओएच से, इन हाइड्रोक्साइड कंपोजिशन बता रहा हूं मैं आपको। इधर तो क्या होता है बच्चों मेटल, ऑक्सीजन में क्या था नॉन मेटल, प्लस इधर क्या हो गया बच्चों ओएच माइनस। तो यहां पर देखिए बच्चों जो मेटल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों, ठीक। मेटल और ओएच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो अभी जो बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों वो मेटल और ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि दोनों के बीच जो रिएक्टिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो ये होगा और यहां से क्या निकलेगा आपका ओएच माइनस, क्लियर। तो सबको एक साथ अगर हम समराइज करना चाहें बच्चों तो एसिड क्या होगा बच्चों, एसिड क्या होगा, गिव एच प्लस आयन, एच प्लस आयन डोनर बोल सकते हो आप, और बेस क्या होगा बच्चों, या ओएच माइनस आयन एक्सेप्टर, ठीक है। सिमिलरली बेस भी आप लिख सकते हो, बेस
दैट इज OH माइनस आयन डोनर स्पेसिस एंड H प्लस आयन एक्सेप्टर, इज कॉल्ड बेस। ठीक, तुम्हारा एसी बेस का आर्गेनियस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसी और स्ट्रॉन्ग बेस का हीट लिस्ट जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 2018 आईआईटी मेंस में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसी। ठीक है बच्चों, तो आते रहते क्वेश्चन है मैंने, तो आप हेडिंग डालेंगे हीट लिस्ट, हीट लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो एसिड की मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर मैं बात करूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दोनों के लिए करके बात करते हैं और ये आपको याद भी रखना है। फर्स्ट हम बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड में सीक्वेंस आप कैसे भी लिख सकते हैं, HCl, HBr, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, फिफ्थ है आपका HI, सिक्स्थ है आपका HClO4 और सेवेंथ फिक्रिक एसिड। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2018 IIT के अंदर, IIT mains। Which of the following is strong acid? और इसमें एक ऑप्शन था बच्चों पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड जो होता है बच्चों वो बर्निंग ट्रीटमेंट में भी यूज होता है बच्चों। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, इसको ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल या TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, और इसका फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो होगा C6N3H3O7। ये पिक्री कैसी है। वैसे ही हम हिटलिस्ट ऑफ बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो फर्स्ट जो है बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी बेस है वो सब क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग है, लाइक NaOH, सेकेंड है KOH, थर्ड है RBOH, CSOH और फिफ्थ BAOH होल ट्वाइस, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप का है, लेकिन ये भी कैसा होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है एनी कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसके कारण ये क्या होता है बेस होता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का लिस्ट है, देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं हम एसिड बेस के, डिफरेंस की बात कर लेते हैं बच्चों एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड बेस का डिफरेंस देख लेते हैं।
ठीक, पहला डिफरेंस जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सब खट्टा होता है, ठीक है, इट इज सॉर इन टेस्ट, और ये कैसा होता है बच्चों, इट इज बीटर इन टेस्ट। सेकेंड डिफरेंस देते हैं मित्रों, सेकेंड जो डिफरेंस है एसिड टर्म्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, व्हाइल इन बेस टर्म्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। थर्ड बात करूं जो आपको भी पता है, एसिड क्या देता है, एच प्लस आइन, इट डोनेट या गिव्स, इट गिव्स एच प्लस आइन इन इक्वल सॉल्यूशन, इट गिव्स OH माइनस आयन इन इक्वल सॉल्यूशन, OH माइनस आयन इन इक्वस सॉल्यूशन। फोर्थ डिफरेंस देखेंगे बच्चों, एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, इट्स पीएच लेस देन 7, इट्स पीएच ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो आप याद रखेंगे हो जाए। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है एसिड बेस का, दैट इज कॉल्ड आर्गेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बच्चों ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही बात करते हैं इस वीडियो में, और फिर हम दूसरा लेक्चर डाल देंगे इसका, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट के आसपास वीडियो हो चुका है, तो आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारा दो कॉन्सेप्ट और बचा है, एक तो ब्रॉन्स्टेड का एसिड बेस कॉन्सेप्ट और दूसरा बचा है लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आज हम इसको डालेंगे इवनिंग में, और फिर कल इवनिंग में सेम थर्ड पार्ट इसका डालेंगे, मतलब एसिड बेस का सेकेंड पार्ट और इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, तो आज शाम में ये डालेगा कल वो डालेगा, सेम इवनिंग साथ के आसपास डल जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे और इसको सीरीज में स्टडी करते रहेंगे। कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, ताकि फिर हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो आज हम अभी स्टार्ट करेंगे एसिड बेस का अगला कॉन्सेप्ट, जिसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो आर्गेनियस सिर्फ वाटर की बात करता था बच्चों, आर्गेनियस का ये कहना था कि कोई भी सब्सटेंस उठाओ उसको वाटर में डिजोल्व कर दो, अगर वो एच प्लस देता है तो एसिड है, अगर वो एच माइनस देता है तो बेस है, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं, एच प्लस और ओ एच माइनस के बेसिस पे,
फिर उसकी एसिडिटी देखी, बेस एसिडिटी देखी, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट देखा, फिर दोनों के बीच डिफरेंस। पर अभी हम बात करने जा रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, एसिड बेस का सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, वो दोनों मीडियम में लागू होता है, एक्वस और नॉन एक्वस दोनों में अप्लाइड होता है। और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड वे सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड था, जबकि ये एक्वस और नॉन एक्वस दोनों के लिए वैलिड है। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है मित्रों, अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच टेंडेंसी टू गिव प्रोटोन एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। जो जिसमें प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो बेस कहलाएगा, और जिसमें प्रोटोन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो एसिड कहलाएगा। ठीक, एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट तो एसिड क्या है बच्चों, प्रोटोन डोनर, और बेस क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर। देखेंगे जो अगर हम HCl और H2O को लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये दोनों मीडिया में वैलिड है, एक्वस और नॉन एक्वस दोनों में। अब आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई पिछले क्लास में बताया मैंने कि ये HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं SA से डिनोट करता हूं, SA फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, वाटर का नहीं पता अपने को, तो क्या किया बच्चों, जब दोनों को मिक्स किए तो ये आपको क्या बना, यहां पे H3O प्लस और Cl माइनस। मतलब देखिए ध्यान से कि एक तो H प्लस डोनेट कर रहा है और दूसरा H प्लस गेन कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, जो डोनेट कर रहा है वो AC और जो एक्सेप्ट किया वो बेस। तो यहां पे कौन एक्सेप्ट किया बच्चों, तो वाटर एक्सेप्ट किया H2O, तो H2O क्या हो जाएगा यहां पे बेस हो जाएगा। क्लियर, चलिए
आगे देखते हैं अगले एग्जांपल में। अगर हम बात करें जो NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O, देखिए यहां पे बनेगा क्या, उसको बनेगा NH4 प्लस OH माइनस। अब यहां ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एच प्लस कौन गेन कर रहा है, NH3H+ को गेन किया, डोनेट कौन किया, H2O किया, तो जो डोनेट किया वो क्या कह रहा है, AC, मतलब यहां पे H2O किसकी तरह काम कर रहा है, AC, और ये क्या है बच्चों, बेस। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मैंने आपको हीट लिस्ट ऑफ एसिड एंड बेस बताया था उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो H2O बेस की तरह काम करता है और वीक बेस के साथ ये कैसा काम करता है, एसिड की तरह। क्लियर है बात, तो ये आपका बन गया। अब मित्रों देखिए ये जो H+ है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान से नेक्स्ट बात करते हैं, जो जब एसिड H+ डोनेट करने के बाद एसिड का जो निगेटिव पार्ट बचता है उसको हम कंजुगेट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट कहते हैं। ये एसिड है और ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्जुगेट। अब एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड होता है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया, तो यहां पे OH क्या होगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट ये क्या होगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट ये क्या हो जाएगा, एसिड। क्लियर है, एक बात और ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, HCN प्लस H2, ठीक है। ये वीक एसिड है, मैंने आपको लिस्ट में नहीं बताया, तो ये वीक है, तो ये क्या बनाएगा, H3O प्लस और CN-, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये वीक एसिड के साथ कैसा बिहेव किया, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये कैसा एसिड होगा, वीक होगा बच्चों, ये क्या है, वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बना, CN-, और CN- क्या होगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस, लेकिन कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है बच्चों। तो आपको कॉन्जुगेट का समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस क्या होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो H2O है इसका डुअल नेचर है बच्चों, एक तरह तो ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर रहा हो, दोनों की तरह काम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस की, सही है आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड,
एम्फोट्री कंपाउंड, ठीक है। तो ये दोनों की तरफ व्यवहार करे, एसी का बेस दोनों की तरफ व्यवहार करे, उसको क्या बोलेंगे? एम्फोट्री। द सब्सटेंस विच बिहेव्स लाइक बोथ, बिहेव्स लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O, HCO3-। अब इसकी तो चर्चा मैंने कर लिया था, इसकी चर्चा करते हैं हम, देखते हैं। देखिए बच्चों, H2CO3 एक एसिड है। कैसा एसिड है बच्चों? डाइबेसिक एसिड है, लेकिन वीक एसिड है। तो एक बार में ये सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस देगा, और एक H प्लस डोनेट करने के बाद ये क्या बनाएगा बच्चों? HCO3-। क्या बनेगा बच्चों? HCO3-, ठीक है। अब ये डबल साइन का मतलब है कि इससे ये बन सकता है। तो ये है वीक एसिड, तो ये क्या बन गया? इसको कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें एक और H प्लस है, तो एक बार और डोनेट करेगा। जब ये एक बार और डोनेट करेगा H प्लस, तो ये क्या बनाएगा? CO3-2। बच्चों ये कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस का क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए मित्रों, एसिड है तो अब देखिए ये एसिड है, इसके लिए तो कैसा बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। अब देखिए जो H प्लस डोनेट करता है वो अभी हमने लिखा है, वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो इसके लिए तो ये क्या हो गया? एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए इसके लिए तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड, और इसके लिए क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। तो दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलिए, बताइए, कर रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? एम्फोटेरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्फोटेरिक। क्लियर है? एम्फोटेरिक का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे मित्रों, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की बात करते हैं। वो वाला नहीं जो मैंने आपको पहले बताया, यहां कि अगर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट गिवन है एसिड का, तो हम आप कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक एसिड है? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की हम बात पहले करेंगे। तो बच्चों किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ या प्रोटॉन डोनेशन की कैपेसिटी को हम एसिड के आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के बेसिस में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट यदि CH3COOH, ठीक, जब आप इसको आयोनाइज करेंगे बच्चों वाटर में, कहीं ये तो दोनों मीडियम में लागू है, वैलिड है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? H3O+ और CH3CO-, ठीक है बच्चों। तो एसिड का आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा बच्चों? कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों? H3O+ का कंसंट्रेशन इनटू
CH3O माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH का कंसेंट्रेशन। अगर ये तीनों की वैल्यू पता है तो आप के निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर ये तीनों की वैल्यू पता है तो आप के इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है के का वो होता है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। कंपैरिजन कर लेते हैं मित्रों, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एचएफ का। एचएफ को एच टू में आया एच थ्री, तो ये क्या बनेगा H3O+ और F-। ठीक, ध्यान से देखिए, चूंकि ये वी के सीधे तो H2O बेस की तरह काम कर रहा है, यहां पे भी वी के सीधे तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। इसका अगर आप के निकालेंगे तो के इज इक्वल टू हो जाएगा H3O+ का कंसंट्रेशन इंटू F- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HF का कंसंट्रेशन। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, ये भी आया होगा कि भाई H2O का कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखा सर। तो देखिए मित्रों, प्योर सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको यूनिटी मानते हैं, या जो सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है 6.7 × 10⁻⁴। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके बेसिस पे दोनों में कि HF और CH3COOH में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो देखिए बच्चों, HF का जो के वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3COOH से, सो वी कैन से दैट कि HF इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड देन CH3COOH। क्लियर है? वैसे ही हम बेस का भी स्ट्रेंथ बता सकते हैं किस बेसिस पे, अगर उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सेम टाइप का है बच्चों। बेस को आप आयोनाइज करेंगे, केवी का वैल्यू निकालेंगे, जिसका केवी ज्यादा होगा वो स्ट्रांग होगा, जिसका केवी कम होगा वो वीक होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस का थर्ड कॉन्सेप्ट VDI बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 11th क्लास का टॉपिक है। और आए दिन आप देखेंगे कि IIT नहीं सब के अंदर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ज्यादातर लुईस एसिड ही पूछे जाते हैं। ठीक, लुईस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब देखिए मुझे लुईस के अनुसार एसिड और बेस क्या होता है, जैसे अरहेनियस के अनुसार एसिड क्या था, H+ डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रहता है वो एसिड कहलाएगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहता है वो बेस कहलाएगा। लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और एसिड वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ध्यान से देखिए, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो लुईस ने यह बताया
कि जो लोन पे अलग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस, और जो लोन पे अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसी। ठीक, चलिए इसके स्टेटमेंट को नोट आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और बेस की अगर मैं बात करूं तो दो सब्सटेंस विच टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस बेस। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि BH3 ये जन्मजात गरीब है, पैदाइशी गरीब है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, तो ये पैदा भी गरीब रहता है, मरता भी गरीब है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि बीच में जैसे मोदी सरकार हेल्प करता है वैसे कोई ना कोई हेल्प करने वाला आ ही जाता है। तो दूसरा लेते हैं बच्चों हम NH3, ये अमीर आदमी है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, और साथ में क्या है, लोन पेयर भी है। ठीक, तो एक कंडीशन है बच्चों कि बेस तभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके वैलेंस शेल में कम से कम 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो देखिए, ये तो क्या आपका बेस और ये क्या आपका एसी, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये नाइट्रोजन भाई बोलेगा बोरोन को, देखो मैं 2 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा हूं तुमको पर कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहे, आपको याद हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन डोनेशन एज वेल एज शेयरिंग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बोलेगा लेकिन साथ में रहना पड़ेगा। इस तरह से ये BH3 का जो गरीबी है वो दूर हो गया। ठीक है बच्चों, और NH3 ने क्या किया उसको, 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे NH3 क्या हो गया बच्चों, लुईस बेस, और BH3 क्या हो गया, लुईस एसिड। ये तो क्या हो गया, लुईस एसिड, और ये क्या हो गया, लुईस बेस। क्लियर है, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं लुईस एसिड एंड बेस का। ठीक है, लुईस एसिड का एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे AlCl3, BH3, BCl3 और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों, लाइक CO+3, Cu+3, Fe+3, ठीक है, एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस, इसकी बात करें तो जिसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट हो, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, लाइक
NH3 जरूरी नहीं हमेशा न्यूट्रल हो, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन सॉरी नहीं होगा, एनायन नहीं होगा हमेशा, यहाँ पे कैटायन भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है। ये H2O यहां भी देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, H2O2 यहां भी है, और बात करें तो RNH2 यहां भी है नाइट्रोजन के पास, ROR R क्या है एल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास क्या बच्चों लोन पेयर। उसके बाद और भी है जैसे कुछ एनायन ले लेते हैं Cl- Br-, ठीक है एक्सेट्रा। अब ध्यान से एक बात देखने वाली बच्चों, देखिए वाटर लुईस के अकॉर्डिंग क्या है बेस, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या है एम्फोटेरिक, और आर्गेनियस के अकॉर्डिंग क्या है न्यूट्रल। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये जल है, जल जल जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, ये इसकी भी यहां पे भी क्या है बच्चों तीन नाम है अलग अलग है, और इसका फंक्शन भी अलग अलग है। आर्गेनियस में न्यूट्रल, ब्रॉन्स्टेड में एम्फोटेरिक, दोनों की तरह काम कर रहे हैं, और लुईस में किसकी तरह काम कर रहे हैं बच्चों बेस की तरह। तो ये था इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो एसिड बेस का हमारा तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच, पीएच स्केल और उसपे बेस क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।